का नंबर निकलना के चक्कर में होड़ भी दिखाते थे वैसे बहुत बंदे कम कराते हैं हर्षित भाई हर एक को बस हाँ बिल्कुल प्रोफाइल भाई जो 25-25 कर रहे थे बंदे 295-25 ये देखो ये टर्मिनल है। अरे मेरे भाइयों को राम राम और आज हम जा रहे हैं सनडाउन ऑडियो के इवेंट पर जैसे कि हमारी भरना तैयार हो चुकी है। इसमें बकायदा हमारे महेंद्र को इन्विटेशन आया है सनडाउन की तरफ से सारे भाई ये खड़े अपनी भी यहाँ खड़ी है। अब इसमें थोड़ा मोटा काम होगा फिर चली जाएगी। अमित भाई वो खड़े हमारा मोहित भैया खड़ा मैं अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दो आप सही रही आप सही रही बैसली बैसली भैया भैया अरे महेंद्र जेडी कर रहा क्या पहुंच जाएंगे इवेंट तक अमित भाई नहीं पहुंच पाओगे मुझे अभी आपको ग्रेट नोएडा का झटका लगेगा जाओ मैं तो साले उधर खड़ा कर दूंगा भैया मेरी तो है ना ये जिसके पकड़ लेगा। तो ये वॉल्सवैगन की बीटल कितनी साफ सुथरी कार है देखो थोड़ी सी और आगे ले महेंद्र देख दो तुम्हें आगे पीछे भी दिखाऊं कैसी लगती है ये देखो भाई ये भी सनडाउन ऑडियो बजा रही देखो वो निकल रहा था चुके हैं हेमाटेक और सनडाउन के इवेंट में चलो महेंद्र बाहर देखते हैं भाई कौन कौन मिलता है अंदर देखो बहुत सारे भाई मिलेंगे ये लो ये अनुभव भाई भाई सनडाउन के ऑडियो का मालिक है उस्ताद ये लो भाई ईशु भाई की क्रेटा वो खड़ी है और सेंटर देखो तरीके से लो भाई सेंटर में वॉल सेटअप देखो आप ये महेंद्र ये 18-18 इंच के दो हैं देख और इसे रन करने के लिए देखो कितना तामझाम लगा रखा है ये देखो ये टर्मिनल है जिस चीज में लग रही है ज़्यादातर हेमाट्रैक सनडाउन और एक ब्रांड और वो भी दिखा देंगे देखो जब ये हेमाट्रैक है भाई ये ये लग रहा इंडेवर में छोटा सेटअप ये लो भाई ये पेट देखिए पेट कितनी तगड़ी लग रही है एक छोटा सा सेटअप देखो कितना प्यारा सा है ये देखो ये सारा सनडाउन का सेटअप है सनडाउन 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 ये 8 इंच का है 8-10 का है आप क्या सर ये सर क्या क्या करा रखा है आपने इसमें थोड़ा डिटेल बताइए। थ्री वे सनडाउन है फ्रंट स्टेज्ड तो मिड मतलब सब कुछ सनडाउन है वायरिंग सब कुछ सिर्फ तो मैंने ट्विटर सीटीटी के लगा रखे हैं। अच्छा अच्छा सर ये कितने आराम इसका ये नो आइडिया ये मेरे ख्याल में होगा 400-500 के आसपास होगा 600 के आसपास है हाँ छोटा है लेकिन बहुत अच्छा लगेगा। देखो भाई ये वो ईशांग भाई कह रहे थे आपने सारा खुद सेटअप अपने आप कराया हाँ जी तो भाई बहुत अच्छी तरह बहुत तरीके से कर रखा है देखो बोर्ड लगा के और एक एक चीज अलग अलग दिखेगी देखो कहीं भी मिक्सअप नहीं दिख रहा कि देखो बगैर डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक लगा दिया बैटरी से एक तार यहाँ आ रही होगी और यहीं से सारी एम्पों को सारी वायरें दे दी सर ने तो बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू। अच्छा ब्रीजो में लगा रखे भाई 12-12 इंच के दो तो भाई ये रही रावत भाई की मैं वरना जिसमें एक ही वूफर लग रहा है अभी आएंगे तो भाई से पूछेंगे क्या क्या लगा रखा भाई क्योंकि यहाँ बंद का कुछ काम नहीं है। ये एयर पास देख कितना अच्छा है यहाँ पे लो भाई एक ये भी भाई मेरे ख्याल से 1200-12 इंच का है लेकिन पेटी देखो कितनी अच्छी लग रही है बिल्कुल साफ हो रही है सारी गाड़ी देखो ये ईशु भाई की कार खड़ी है वो हेमाटेक में वॉल सेटअप है भाई सेंटर में वॉल सेटअप है तो भाई अब दिखाते हैं आपको ईशु भाई की कार देखो ये जिसके चक्कर में दुनिया पागल है 235-30-22 प्रोफाइल देख लो 22 इंच का वाला है और ये देखो अंदर से इसको भी भाई अभी डेमो जब चलेगा तब देखेंगे और ये प्रोफाइल भाई जो 25-25 कर रहे थे अंदर 295-25-22 ये लो भाई ये अकेला ही बुफर मेरे ख्याल से 5,000 आराम इसके आस पास है ना ये 5,000 आ रहे हैं इसका भाई सनडाउन का टीम 15 इंच ये एक ही बहुत हमारे लिए बहुत है मुसफर तो भाई ये खड़े वीडियो बनाते हैं अनुभव भाई ये रहे तो भाई क्रेटा दिखाते हैं आपको अंदर से राइडर का वॉल सेटअप जो हमने संडे राइड पे दिखाया था ना भाई वो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ एक बार देखो ये देखो फिनिशिंग हो गई पहले ये नहीं था पोर्ट नहीं था पहले वाले में देखो ये अंदर से एकदम साफ देख कितने ये ट्विटर विटर अभी नए लगे हैं ये गत्ते वत्ते सब नए बने पहले नहीं देखो ये रहा लेकिन भाई 2-3 गाड़ी और है वो भी हम कवर करेंगे अभी सारे भाई अभी थोड़ा सा बीच में मुसाफिर भाई पहले इंट्रो करेंगे उसके बाद भाई समर्थ भाई ने सियास तैयार कर रखा है देखो कितना अच्छा सेटअप बना रखा है बहुत प्यारा सा एकदम क्लीन एक एम दिख रहा है छोटा सा हाँ वो मोनो का एक चार तेनाल का तो समर्थ भाई जो बूफर आपने लगा रहा है कितने आराम इसका कुछ डिटेल बताओ अपनी गाड़ी के बारे में वैसे 2000 आराम इसका बट चल 2500 आराम इस पर है अच्छा ये सिंगल बूफर 2000 आराम से सिंगल तो ये तो पूरी गाड़ी हिलाता था वो अंदर से
चलो इसको डेमो हम देखेंगे और भाई मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा एग्जॉस्ट भी लगा रखा है शायद। स्टेज टू ट्यून्ड भी है ये। ओके पेट्रोल पेट्रोल 2.6 की ट्यूनिंग है। तभी मेरे को ऐसा लगा ट्यून करते तो बंदे पेट्रोल में जाते हैं, डीजल वाले बंदे बहुत। और समर भाई इसमें अंदर क्या क्या लगा रखा आपने? अंदर अपने कंपोनेंट्स हैं, स्टार लाइटिंग भी है अंदर, नीचे बॉडी लाइटिंग भी है इसकी अंदर। पूरी गाड़ी डैम्प होगी पक्की बात है। डैम्प है तो थोड़ी सी बंदा पंगा रहता है। जैसे रावत भाई ने भी बहुत अच्छा पोर्ट बना रखा, हमने अपने वरना में बना रखा, तो ये सब करना पड़ता है भाई, बिना इसके चलेगा ही नहीं। देखो कितना अच्छा। अरे ये तो बहुत कम लगवाते हैं। ठीक 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 देखो देखो भाई, वैसे हर एक आदमी को पता नहीं होता समर भाई ये, लेकिन हम फिर भी आप थोड़ा क्लियर करो आदमी थोड़ा, क्योंकि बंदे देखते हैं वीडियो। लेंजो के प्रोजेक्ट डीज मतलब ऐसे हैं, आप कहीं भी इसको कुदा लो गड्ढे वड्ढे कभी नहीं टूटेंगे। जो बंदे डरते हैं कि भाई इतना नीचे अड़ेगा अड़ेगा ऐसा कुछ बताओ। और जो मिशलिन के आपके टायर्स हो गए पैलेट्स फोर्ट, ये बिल्कुल ही जमीन पे घिस के चलते हैं, आप बिल्कुल कटिंग वटिंग मारो कुछ बिल्कुल, मतलब ये वो है जो ऐसे ऐसे कट के निकल जाती गाड़ी है ना, आप अंदर हिलोगे भी नहीं बिल्कुल। वरना वही जो हमारे साथ आ रही थी हमें मिली हर्षित भाई यहाँ पे, तो हर्षित भाई चलो हम पहले दिखा देते हैं। हर्षित भाई क्या क्या लगा रहा है आपने अपने पास? आपका 500 प्लस एक ईच है, वो है सब ऊपर 1000 प्लस है। हाँ जी। हैमर टैग के इसमें 2 एम्प लग रहे हैं, एक मोनो एक फोर चैनल, और डीएसपी लग रहा है नाका मची का, चारों मिनट उसके सनडाउन के। हाँ जी। और बुलेट ट्विटर लग रहा है सनडाउन। और जो इसमें हेड यूनिट लग रही है वो हेड यूनिट स्टॉक है। अच्छा हेड यूनिट स्टॉक, वो छेड़े नहीं आपने? नहीं वो नहीं छेड़े। नंबर 1 चीज तो उसकी है, सबसे अलग ओनली बनाएंगे। अरे होल्ड, ठीक 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 बहुत अच्छा भाई। चलो पहली बार अपने चैनल पे हम आपको हुड भी दिखाते थे, वैसे बहुत बंदे कम कराते हैं हर्षित भाई हर एक को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको हम क्लेम कर सकते हैं क्या दिल्ली में? कर सकते हैं, हो रखी ऑलरेडी। बहुत अच्छी बात है। और काम होने हैं। अच्छा और काम होने हैं। चलो पूरी अभी बताई नहीं, किसी को रिवील करी नहीं कि पूरा कस्टमाइज इसमें हो रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब मुझे लग रहा है किसी चैनल पे आपकी कार किसी पे नहीं है ना? नहीं रैप नहीं, इसमें गलती ही होगी, मैंने डिप में बारिश के टाइम पे लाया था, ये हो गया। बाकी डिप है आप देखो। कोई नहीं भाई, वो छोटा मोटा चलता रहता है, ये जो मॉडिफिकेशन लवर रहते हैं किसने कराया नहीं ना पूरा। बिल्कुल बिल्कुल आपको बोनट किसी ने। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो आपका ये हुड है ये स्टॉक है या आपने अलग से लिया है? अलग से मायापुर से खरीदा भाई मैं, पहले वरना के लिए उसके ऊपर जो अपना स्टॉक था वो घर था, सेकंड हैंड हुड खरीदा। मुझे उम्मीद थी ये भाई करेगा, अगर मुझे ऐसा लग रहा है अब मैं जो दिखाऊंगा ना भाई वो फंडा उनके बच्चे नहीं होते जो पैदा होते हैं बिल्कुल अंडे 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 नहीं अंडे से पैदा हुए। लेकिन देखो ये भाई 6 इंच, ये देखो ये देखो एक थार और मिल गया। देखो जहाँ तक मेरा उम्मीद है ना तो भाई ये 6 इंच है और वो लग रहे 8, तो भाई वो 8 थे ये वाले और ये 6 हैं। तो भाई काफ़ी टाइम हो गया है और मुसाफिर भाई अपनी शूट करते हुए देखो वो कर रहे हैं, इसके आधे घंटे के बाद जाएगी दिख रहा है, लेकिन हम आराम से खड़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, सारे भाई आराम से। और यहाँ बूफर बज रहे हैं, देखो मैं दिख रहा, मैंने तो कह रहा था छोटे छोटे बूफर बज रहे, देखो हल्के हल्के शीशे हिल रहे हैं, अब पता नहीं पता लगेगा नहीं लगे। हाँ देखो देखो आई ना वाइब्रेशन, ब्लॉगिंग चल रही है भाई इससे कहीं ना कहीं। महेंद्र आधा घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया ब्लॉग, अभी पूरी गाड़ी कवर नहीं कर पाए क्योंकि कार भाई बहुत सारी। भाई लो स्टार्ट हो गई है, सेटअप है ये, सेटअप तो आप लोगों को समझ आए ना आए, लेकिन अभी वो भाई हमारे जिनके बाल थे कहाँ गए। तो भाई अब की बार आई ट्रेन की ट्रेन है, फिर क्रेटा भी देखेंगे, फिर और भी छोटी मोटी कार सब देखेंगे, छोटी मोटी कार यहाँ कुछ है ही नहीं भाई, सारी बढ़िया है। कोई और बचा है कुछ? और फिनिशिंग वगैरह सारी होनी भाई। नहीं पिछली बार से अच्छी है, लेकिन संडे राइड पे जब मिले थे उससे अच्छी है अब की बार। इस बार तो बहुत कुछ अच्छा है उससे। वही वही वही, पर अभी फिर भी कमी रह गई। कोई नहीं नेक्स्ट टाइम हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम पूरी करेंगे। चलो तो चलो भाई अब की बार आई ट्रेन मुझे बजेगी तो इसको दिखाएंगे आप। इधर कुछ आ रहा था उनमें तो भाई आई ट्रेन की होगी तैयारी, देखो अब आई ट्रेन बजाएंगे और दिखाएंगे आपको कैसे इसमें साउंड निकलता है। आज की मतलब आज की गाड़ी सारी लाउड है, लेकिन ये हमारी लाउडेस्ट है जिनमें आप लोगों की वॉल तैयार हो रही है। ठीक है भाई, तो भैया ये वॉल क्या चीज़ होती है, दीवार किस चीज़ की बनाई है आपने? ये क्या करते हैं कि आगे से ना एंक्लोजर को सील कर देते हैं ताकि जितनी भी बेस है वो इस छोटे से केबिन में पीछे लीक ना करे। अच्छा, इसमें चांसेस होते हैं कि आपकी आगे की विंडशील्ड या साइड के शीशे टूट जाए? सब बिल्कुल चांस है, 100% मतलब पूरा रिस्क में हो रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो ये आप लोग अपने रिस्क में करा सकते हैं, ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा अगर शीशे टूट जाए। इन लोगों को शीशे टूटना बहुत अच्छा लगता है।
भाई यहाँ आ रहा है फुल मजा, पूरा सेटअप दिख रहा है, देखो कितना क्राउड है, बहुत ही अच्छी अच्छी कार यहाँ सेटअप है। तो भाई मैं आपको दिखाता हूँ एक पोलो, अपनी ये कौन सी है? क्रिसेंडो ऑडियो है। ये कहाँ का ब्रांड है? थोड़ी नॉलेज दो मुझे। क्रिसेंडो सनडाउन का ऐसे लगा लो, क्रिसेंडो और सनडाउन ऑडियो दोनों भाई हैं एक तरीके से, ये लगा लो दोनों यूएस के ब्रांड्स हैं। जैसे इंडिया में पायनियर और सोनी को लोग जानते हैं, तो हाँ जी हाँ, ये क्रिसेंडो और सनडाउन इस तरीके से हैं। ऐसे यूएस है, ये भी यूएस ब्रांड। भाई आपने इसमें क्या क्या सेटअप कर रखा है ये और बता दो एक बार। इसमें क्रिसेंडो ऑडियो के मिड रेंज और सुपर ट्यूटर्स है, और सनडाउन ZV6 18 इंच के दो वूफर्स हैं, क्रिसेंडो के ही 4000 RMS के दो मोनो एम्प हैं, और सनडाउन का 500.4 फोर चैनल है मिड्स के लिए, और 200.4 ट्विटर्स के लिए फोर चैनल। और बैटरी के लिए बताओ थोड़ा सा। दो लिथियम बैंक्स हैं, और उनको चार्ज करने के लिए 320 एम्पीयर का JS अल्टरनेटर्स का बिल्कुल अल्टरनेटर है, वो भी बाहर से मंगाया। और भाई क्या कितने RMS रन कर रहा है ये? 8000 समथिंग। और एक छोटी सी बात पूछिए, अगर कितने तक का ये सेटअप बैठा, कुछ आइडिया? ये गलत सवाल है। अरे भाई ये मतलब आज की डेट में 11-12 किलो बेचना पता लगना चाहिए ना आदमी को भाई, बहुत ही यूनिक और बहुत कम बंदे कर पाते हैं। तो इतना खर्चा आपका आ जाएगा अगर आप आज सब कुछ नया मंगाते हो तो। चलो ठीक है, थैंक यू भाई। तो भाई फाइनली सारा जो इवेंट था वो कंप्लीट हो गया, मैं थोड़ा बहुत बच रहा है उसको दिखा देंगे आपको लास्ट में जाते हुए। सब अभी डांस कर रहे थे भाई, मजा आ गया, मैं खुद डांस करने लग गया। पता नहीं था, ठीक है हमें पता था भैया, हमने तो पैकेट देख लिया था। नहीं वो नहीं है, पैकेट नहीं है, महंगा सौदा है, महंगा सौदा जो मिले। सरप्राइज का मतलब सरप्राइज, करेक्ट। ठीक है, हम दो सब ऊपर गिव अवे कर रहे हैं, दो सब ऊपर गिव अवे। और ये जो है कि सर कैसे होगा, मतलब हम बैटल में तो यकीन रखते नहीं है, बैटल में हम लोग यकीन इसलिए भी नहीं रखते हैं क्योंकि फिर उससे क्या है कि लोग आपस में हेल्दी कंपटीशन ना करके एक दूसरे से दुश्मनी और ये करेक्ट करेक्ट बैड माउथिंग और ये सब करने लग जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि वी विल नॉट इंक्लूड द डीलर्स। एक मिनट, डीलर का मतलब क्या है, अनुभव होगा या नहीं होगा? पता चला इन्होंने अपने नाम की पर्ची डाल दी उसमें। जितनी गाड़ी गाड़ी हम सबके सामने हर गाड़ी की नंबर की पर्ची बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, और आप भी में से कोई भाई उसको निकाल देगा। तो सर एक्साइटिंग है सर? ये ठीक है, ये ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। से बंद रहे लो, इसे बंद रहे लो, जब ही आएगी आवाज। इशांग भाई सेटिंग बैठा, ऊपर का नंबर निकलना। मैं अपनी के चक्कर में हूँ। ऊपर कौन सा है, ऊपर दिखाया नहीं आपने। भाई देखो सारी गाड़ियों के नंबर है इसमें। Oh my god, I think we have a 15 inch. Yes. Both of them. So we have two 15 inch subwoofer from Hemmertech. Let's see. Who's the lucky one today? Party dekh lo. Bahut bola hai. Bhai kiski hai? Okay. 9200. Kiski gaadi hai bhai? अरे आप होते हैं 15 इंच के लक्की सबवूफर के मालिक। ये रावत भाई को कोल्ड ड्रिंक पिलानी पड़ेगी। कोल्ड ड्रिंक भाई, हार्ड ड्रिंक। इस तरफ हो गया अपग्रेड। लो भाई 850 RMS 50 इंच। ओह माय गॉड, ये अपने पास आएगा। वरना 9500 BL8CBC। अरे क्या बात है। अल्टीमेट कांग्रेट्स भाई, इधर आ जाओ फोटो भाई। तुम अभी अपग्रेड कराने वाले तो तुम्हें हो गया। अब एक बुफर और लेना पड़ेगा। तो भाई 15 इंच का 8500 में भाई ने टोटका लगाया था पीछे उल्टा खड़ा होने। ये लो कांग्रेट्स भाई। मेरा एक भाई क्या है,
वो पर्चियां खोल रहा है इसी कार नंबर से दे दीजिए। हाँ, वही पहले देख रहे सच्ची है गलत है। अरे मेरी का देख रहा हूं सारे इनकी पर्ची डली और देखो भाई मेरी भी देखो। ओ भाई मेरी ये राहुल भाई एक बार और तो भाई पोलो का स्टेयरिंग दिखाता हूँ मैं, बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा है। ये देखो ये ऑटोमेटिक है, इसके पैडल शिफ्टर है बहुत। ये देखो डी कट, प्रॉपर डी कट, इस पूरी गाड़ी कार्बन फाइबर करा रखी भाई ने अंदर से बकायदा पॉट बना के। देखो ये रे, ये रे कितने छोटे पॉट है, कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में। ये देखो और भाई ये पूरा हुड जो है भाई ने कार्बन फाइबर करा रखा है। कैसे रहा भाई? बहुत बढ़िया भाई, भाई बहुत अच्छा इवेंट। मुझे तो लग रहा है जैसे हम फंडे राइड पे जाते हैं ना, वो बहुत ही अलग चीज है, वो अलग है, वो अलग है, ये अलग फीलिंग है भाई, है ना। लेकिन करेंगे भाई ऐसे कुछ बड़ा एक और लेवल अप। नहीं मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई, खैर ये तो खैर महेंद्र के लिए इनविटेशन था, क्योंकि हमारा तो सेक्टर 135 वैसे पुरानी याद है, क्योंकि भाई मेरे तो बर्थडे भी हम लोग इधर ही मनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इवेंट हो गया पूरा खत्म और सब चलने लगे अपने अपने घर के लिए। देखो सब गाड़ी खत्म हो गई, सब चलने लगे। तो भाई काफी अच्छा लगा यहाँ आके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम, जय बाबा।